एक बार क्या हुआ कि मुझे जयपुर जल्दी जाना था। वैसे काफ़ी टाइम मैं जाता रहता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत जल्दी जाना था। सुबह 3 बजे उठना था मेरे को, तो सुबह 3 बजे उठा मैं, तैयार हुआ जल्दी से, नहाया धोया जो भी है ना। उसके बाद फिर मैं गया बस स्टैंड। बस स्टैंड जाके मैंने टिकट ली, टिकट विंडो से टिकट लेके मैं बस में बैठ गया। उस टाइम मेरे को नींद आ रही थी, ठीक है, तो नींद नींद में मैं बस में बैठ गया आराम से। बस में बैठते ही आँख लग गई और मैं सो गया। 5 मिनट बाद जब पता चला तो देखा कि बस चल रही थी। मैंने बाहर देखा कि ये तो सीन कुछ अलग अलग है, ये वो वाला रोड नहीं है, ये वो वाला रूट नहीं है जो मैं पहले जयपुर जाता था तब आता था। उसी टाइम मैंने साथ वाले पैसेंजर से पूछा कि भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है, तो उसने जवाब दिया ये बस दिल्ली जा रही है। मेरे को शौक लगा, मैंने बस कंडक्टर से बोल के बस रुकवाई और वहीं उतर गया। वापस आया बस स्टैंड, जयपुर वाली बस में बैठा और फिर जयपुर पहुंचा। अच्छा, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अभी अपन एक ऐसे मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अच्छा, ये मेथड क्या है कंट्राडिक्शन, देखो ध्यान से। ये कंट्राडिक्शन मेथड है क्या, ठीक है, क्या है कंट्राडिक्शन मेथड? देखो, इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी अपने को प्रूफ करना होता है उसका उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे √5 को अपने को इरेशनल प्रूफ करना है, अपन अज्यूम करेंगे कि वो रेशनल है, उसका उल्टा अज्यूम करेंगे, रेशनल है। फिर आगे चलेंगे, थोड़ी देर बाद पता चलेगा जैसे ही आँख खुलेगी कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ये तो वो वाला रूट नहीं है, ये तो रूट कोई दूसरा ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने गलत बस पकड़ ली। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, वापस जाके और इस अजम्पशन को ठीक करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि √5 रेशनल नंबर है। इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, कि अपने को थोड़ा सा आभास हो कि कुछ गलत हो रहा है आगे जाके, ठीक है। और फिर पता चले कि गलत इसलिए हुआ क्योंकि पीछे अपन ने एक चीज़ गलत मान ली थी, अज्यूम कर ली थी गलत, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड पे पहुंचने से पहले, हाँ ये मेथड तो बता ही दिया। अच्छा, अब क्या है कि अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है √5, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। उससे पहले ये थ्योरम और देख लेते हैं। थ्योरम क्या बोल रही है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है, पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, पी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, बस इतनी सी थ्योरम है, ठीक है। जैसे मान लो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 के स्क्वायर को प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर सकता है, 5 4 जा 20, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। 15 के स्क्वायर को ये प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है, तो ये प्राइम नंबर इस नंबर को भी तो करेगा, करेगा या नहीं, डेफिनेटली करेगा। यही वो थ्योरम कह रही है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी बताया मैंने कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, उल्टा लेके चलते हैं ना। तो क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। क्या अज्यूम किया, √5 इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो क्या बोलेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, ए अपॉन बी, है ना। पी अपॉन क्यू होता है ना, रेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। बस अपने ए अपॉन बी लिख दिया बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पी और क्यू भी लिख सकते हो यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं अगर इसको ये रेशनल नंबर है तो, है ना। और यहाँ पे जो ए और बी है वो है अपने प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अब कैसे नंबर होते हैं? डोंट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, है ना। वन के अलावा जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, कॉमन फैक्टर का मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे एक तो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 5, 4, 6 है, क्या कोई ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। अच्छा, 6 और 8 इन दोनों नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर हो गया और ये दोनों इससे डिविजिबल हो गए, कैसी भी लैंग्वेज में बोल दो, बात वही है, ठीक है। अच्छा, तो आगे समझ में, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, मतलब जो एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई वन किया तो ए आ गया, बी को रूट फाइव से किया तो बी रूट फाइव आ गया, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर रूट फाइव का स्क्वायर क्या आएगा, 5, और बी का बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, कोप्राइम नंबर से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर अपॉन इस 5 को नीचे ले आए डिवाइड में, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को। इस थ्योरम पर आ जाओ, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी करेगा, हैंस 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। 5 ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो भी कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगा देते हैं, 5 ए को डिवाइड करता है तो यहाँ कोई कोसेंट तो आएगा जिसको अपन सी बोल देते हैं, और नीचे रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सी प्लस 0, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5 सी लिख सकते हैं यानी, ठीक है। 5 ए को डिवाइड कर सकता है तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से अपन ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 सी। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या अपन फर्स्ट से रख सकते हैं, 5 बी स्क्वायर लिख देता हूँ, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 5 5 25, तो क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। 5 को डिवाइड में ले आओ तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसको आगे लिख देता हूँ, है ना, तो बी स्क्वायर अपॉन ये 5 को डिवाइड में ले आएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 5 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, ठीक है। इसका यहाँ लिख देता हूँ, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, इसको थर्ड नेम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन ने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर का मतलब
जो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन ये क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये तो बोल रहा है सेकंड क्या बोल रहा है, फाइव डिवाइड्स ए, और थर्ड क्या बोल रहा है, फाइव डिवाइड्स बी। मतलब एक सेकेंड यहां लिख देता हूं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, फाइव कैन फाइव डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, फाइव दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर सकता है फाइव, तो मतलब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। आ गया ना गलत रूट, ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा यहां लिख देते हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अच्छा ये जो अपना आया ये वाला स्टेटमेंट, ये किसको कंट्राडिक्ट करता है, ए और बी को प्राइम नंबर है, इसके अकॉर्डिंग को प्राइम नंबर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, और अपन मान के चले हैं को प्राइम नंबर है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो बोल देंगे ये, हैंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, अपनी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। लिख देंगे फिर, हैंस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब किया क्या, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखो अपने को प्रूफ करना था रूट फाइव इरेशनल नंबर है, रेशनल लेके चलेंगे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, बोल देंगे इरेशनल है, ठीक है। तो रूट फाइव को रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर को पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन ने ए बी लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी को बोला है को प्राइम नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब जो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अपन ने आगे सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर, फिर यहां से आया कि ए स्क्वायर को फाइव डिवाइड कर रहा है, फाइव डिवाइड ए स्क्वायर, तो फाइव ए को भी डिवाइड करेगा, फाइव ए को डिवाइड कर रहा है तो यूक्लिडियन लेम्मा से ये लग सकते हैं, दोबारा स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा कि फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज फाइव ऑल्सो डिवाइड्स बी। अच्छा यहां आ रहा है फाइव डिवाइड्स ए और यहां आ रहा है फाइव डिवाइड्स बी, तो फाइव कैन फाइव डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ये कंट्राडिक्शन हो गया अपना, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम नंबर थे जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन यहां तो आ रहा है अपना डिवाइड हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, हैंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, अपनी जो सपोजिशन है, जो अपन ने सपोज किया, जो अज्यूम किया है, जो माना है, वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब कि रूट फाइव है वो इरेशनल नंबर ही है। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और देख लो वीडियो को, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।